नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, एक नए वीडियो के साथ हम लोग वापस आ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट जो है कब तक जारी कर दिया जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड 2021 का रिज़ल्ट तय करने के तौर तरीकों को योगी कैबिनेट ने मंगलवार को जो है अनुमति दे दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ी खबर जो है सामने निकल के आ रही है कि योगी कैबिनेट ने जो है मंगलवार को अनुमति दे दी है। तो गाइज, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल बटन पर क्लिक करो, क्योंकि मैं लगातार ऐसे वीडियो जो है लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड लाता रहता हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट इट। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यूपी बोर्ड 2021 का रिजल्ट तय करने के तौर तरीकों को योगी कैबिनेट ने मंगलवार को अनुमति दे दी है। 2021 में कोरोना संक्रमण के कारण हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है रद्द कर दी गई थी। यहाँ पे आप देखेंगे तो गाइस आपको देखने को मिल सकता है यूपी बोर्ड 2021 के परीक्षा फल निर्धारण की प्रक्रिया को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को अनुमति दी गई है। यूपी बोर्ड 2021 में कोरोना संक्रमण के कारण हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। उस समय सरकार ने लिखित परीक्षा के अंकों का जो है निर्धारण फार्मूला शासनादेश जारी कर तय किया था। उस समय तय किया गया था कि बाद में अंकों और परीक्षाफल निर्धारण की प्रक्रिया को जो है कैबिनेट की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। सरकार ने वर्ष 2021 में हाई स्कूल का रिजल्ट कक्षा 9 और कक्षा 10 के प्री बोर्ड के 50-50 फीसदी अंक और आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को जोड़कर जारी किया था। वहीं इंटरमीडिएट के लिखित परीक्षा के अंकों में हाई स्कूल के 50% और कक्षा 11 के वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा के 40% कक्षा और 12 के जो है प्री बोर्ड के 10 नंबर जोड़कर तय किया गया था। पिछले साल अगर देखेंगे हाई स्कूल में जो है 99.52 फीसदी और इंटरमीडिएट में जो है 97.88 फीसदी छात्रों सफल घोषित किया जाता। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए करीब 56 लाख छात्रों ने नामांकन कराया था। ठीक है गाइज, ये जो है आप देख सकते हैं कल ही का न्यूज़ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। 18 मई 2022 को आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आई हुई है, इसको मैंने आपके सामने अपडेट किया है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।